Hey guys, welcome back again to my channel Cutie Bun. और आप लोग कैसे हो? All good. तो आज का ये जो वीडियो है guys, इस वीडियो में मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि अभी चल रहा है सेप्टेम्बर. तो हम लोग को पता है कि जब भी बरसात का टाइम आता है तो जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, ये तीन मंथ जो होते हैं हमारे स्किन में, भले हमारी स्किन ऑयली रहे या ना रहे, लेकिन हमारी स्किन में ऑयली तो हमेशा दिखती ही दिखती है ऑयली, जिसके वजह से हम लोग की स्किन जो है इस तीन मंथ में काफ़ी ज़्यादा डल दिखते हैं, साथ ही बेजान दिखते हैं, और कुछ नई चीज़ ट्राई करने पर और डल हो जाता है हमारा स्किन, ऐसा कुछ हाल होता है. साथ ही जिनके स्किन की अगर मतलब कि उनका है ऑयली, तो उनके लिए तो और ज़्यादा ऑयली, आप सोच सकते हैं ऑयली है फिर भी और ज़्यादा ऑयली हो रहा है, तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है. उससे हम लोग को पिंपल, एक्ने, ये सब की प्रॉब्लम भी होती है. साथ ही हमारे स्किन में छोटे छोटे बबल्स, जिसको बोलते हैं दाने टाइप के, हो जाते हैं. लेकिन इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या ट्राई करें, तो हम लोग जस्ट वेट करते हैं कि ये टाइम जाए तो उसके बाद हमारी स्किन ठीक हो जाए. बट इतना रेस्ट करना क्यों, जब हम लोग के पास हर चीज़ की मतलब की पॉसिबिलिटी है. तो गैस यही कुछ हाल मेरा भी हो रहा था. मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि अभी का टाइम जो है सितंबर का टाइम, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑयली हमारी स्किन लगती है. इसलिए तो इस बार मैंने क्या ट्राई किया, मैंने एक फेस वॉश ट्राई किया जो कि है हिमालय की तरफ से. तो ये जो फेस वॉश है गाइस, इसका सबसे बड़ा बात है कि ये जो फेस वॉश है ये आपका प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश है. तो इस फेस वॉश में आपको नीम मिलता है और आपको टर्मरिक मिलता है. मैं आपको, आप इस फेस वॉश को वैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्राई ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा ये फेस वॉश, लेकिन मैं ये तीन मंथ के लिए आपको हाईली रिकमेंड करूँगी. आप जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए आप ये वाला ट्राई कर लो, क्योंकि हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. और ये जो है ये एक्चुअली में आता है आपके पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही अच्छा है गाइस. इसमें नीम है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है. हमारी स्किन में जितने भी इन्फेक्शन वगैरह, जैसे बरसात में अक्सर हम लोग को फंगल इन्फेक्शन, ये सब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ऑयली भी अगर रहती है, और हम लोग अगर कई बार अपने स्किन को थोड़ा सा इचिंग भी कर ले तो वहाँ पे आप देखोगे रेड हो जाएगा. लेकिन अगर बार बार इचिंग करोगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दाने हो जाएंगे, फिर दाने से उठ के आपको पिंपल ऐसे से कुछ को देखने को आपको मिल जाता है. तो ये सब रीज़न होता है एक इन्फेक्शन पर फैलने का, और ये सब का जो कि बरसात में ज़्यादा हद तक होता है. इसलिए सेप्टेम्बर और जुलाई, अगस्त में मैं आपको बोलूँगी आप ये वाला प्रोडक्ट पक्का ट्राई करो. ये फेस वॉश है गाइस, और ये जो है प्रिवेंट पिंपल. इसमें जैसे कि मैंने नीम बताया, और नीम हम लोग को पता है कि हम लोग को जितने भी बैक्टीरिया की चीज़ें होती हैं, जितनी फंगल इन्फेक्शन होती है, उन सभी चीज़ों से नीम जो है हम लोग को बहुत बचाता है. साथ ही इसमें है टर्मरिक. टर्मरिक जो है वो हमारी स्किन की खूबसूरती को और निखारता है, साथ ही वो भी एक तरीके से एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होता है जो हमारे स्किन में को अच्छे से निखार तो देता है. साथ ही अगर कुछ मतलब कि हमारे स्किन में फंगल इन्फेक्शन टाइप का कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उसको दूर भी रखने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है. सर, ये जो प्रोडक्ट है ये ऑल स्किन टाइप का है, यानी कि ये सारे स्किन टाइप के लोगों के लिए, सारे स्किन टाइप के लोगों को ये अच्छे से स्किन प्योरीफाई करेगा. और ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये है 200 ml का है, और आप इसका कलर देख सकते हो इस टाइप का है. ये जेल कंसिस्टेंसी का आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है. साथ ही अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये आपको 210 rupees में आपको मिल जाएंगे 210 में. और ये जो है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल है. साथ ही मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी गाइस, आप ये प्रोडक्ट ट्राई करो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्किन से रिलेटेड. इनफैक्ट मेरी बॉडी से भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे जब भी फेस पे बात आती है तो मैं खुद ही अपने फेस के लिए कुछ ना कुछ करते रहती हूँ. लेकिन बॉडी से रिलेटेड बात है तो मैं डॉक्टर के थ्रू जाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है तो आपको भी डॉक्टर के थ्रू जाना चाहिए. लेकिन अगर आपको छोटा यू नो दाने उठ रहे ये सब, तो ये सब के लिए तो हम लोग जाते नहीं हैं. तो इसलिए मैं ये वाला ट्राई कर रही हूँ, जो कि मुझे लगता है ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा. तो मैं इसका जस्ट पीछे का थोड़ा सा मैं आपको इसको रीड करके आपको बता रही हूँ, ताकि आप ये जान सको कि ये प्रोडक्ट जो है कितना अच्छा है आपके लिए. तो ये एक तरीके का सोप फ्री है हर्बल फॉर्मुलेशन के साथ, जो कि जेंटली रिमूव्स इम्प्योरिटीज एंड प्रिवेंट पिंपल्स, यानी कि आपकी स्किन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है, जितनी भी गंदगी है जो मतलब कि आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है, वो चीज़ ये हटा देता है. साथ ही आपके पिंपल्स से भी ये फाइट करता है अच्छे से. और नीम वेल नोन फॉर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, जैसा मैंने बताया, किल्स
प्रॉब्लम काउजिंग बैक्टीरिया, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया जो काउज मतलब बैक्टीरिया बनाते हैं ये सब, उन सबको हटाता है। साथ ही टर्मरिक जो है इफिशियंटली कंट्रोल्स एक्ने एंड पिंपल, यानी कि ये मतलब कि आपके टर्मरिक जो है वो आपके स्किन में जो एक्ने और पिंपल जो होने की आशंका रहती है उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं कि वो ना हो। यूज़ रेगुलरली फॉर क्लियर सॉफ्ट एंड पिंपल फ्री स्किन, तो ये इस टाइप का। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड बोलूँगी गाइस कि आप एक बार इसे ट्राई करो, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि अभी के मंथ में आपकी स्किन को ऐसा कोई फेस वॉश चाहिए जो कि आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा मतलब कि रिलैक्स दे, क्योंकि आपकी स्किन अभी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है इस टाइम में, और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा यू नो रैशेज वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, पिंपल और बबल्स वगैरह ये सब कुछ आने लगता है जो कि मैं फेस कर रही हूँ, जबकि मेरी स्किन जो है कॉम्बिनेशन टाइप की स्किन है। तो जो ऑयली स्किन रहती है, जिनकी पिंपल टाइप की स्किन रहती है, तो उनकी स्किन में तो बहुत बुरा हाल होता है, ये मैं मानती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको इसका फ्रंट कवर दिखा रही हूँ, तो ये आप देख सकते हो इस टाइप का इसका फ्रंट कवर आता है। और अब इसके बैक कवर की बात करें तो इस टाइप का आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि इसको ओपन कैसे करना है। तो यहाँ आपको एक डायरेक्शन दिया हुआ है, इस तरफ से उस तरफ, तो आपको जस्ट इसे थोड़ा सा मूव करना है उस तरफ एंड देन प्रेस करना है, और ये इजली मतलब कि आपका प्रोडक्ट जो है बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये एक तरीके से जेल कंसिस्टेंसी का है। तो अब मैं यहाँ फेस वॉश कर रही हूँ, तो इस फेस वॉश को जस्ट अपने हाथों में आपको थोड़ा सा लेना है, देन आपको इसे अच्छे से अपने फेस में सर्कुलर मोशंस पे आपको अच्छे से वॉश करना है एंड देन आपको वॉश कर लेना है। तो गाइज ये प्रोडक्ट आप पक्का से पक्का ट्राई करें, क्योंकि मुझे लगता है ये मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया, तो आपके भी स्किन पे ये पक्का कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा आपकी स्किन को। और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है हिमालय का, मुझे ये हिमालय का ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, और मैं इसीलिए ये प्रोडक्ट आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। और गाइज अगर ये प्रोडक्ट आपको यूज़ करने से कोई फ़ायदा हो, अगर आपको थोड़ा भी फ़ायदा दिखे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और गाइज अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियोज़ जो आएँ उसका करेक्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक बाय।